पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादिच्छति पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमशिष्यति ओम शांति 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 शांति। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यं उर्वशिकचारितं पल्वन स्वानं रमलघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सो विष्णुवेशं स्वरूपाम् अस्वमा सुगमारुहा देवो दत्तम जगत्पति असीना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है पंडित। जब वो पंडित चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए पंडित है लेकिन बगल में कोई उसके रहता गए उसकी शादी के कई साल गुजर गए गए लेकिन कोई औलाद ना हुई गए। चारों तरफ गया हिंदुस्तान के कोने कोने को छान मारा कहीं से कोई उम्मीद की किरण ना जागी लेकिन पंडित सोमनाथ वर्मा के पास जब वो गया कहा लोगो सुनो सुनो अगर तुम औलाद चाहते गो हमने सुना है कि तुम बगदाद चले जाओ हौसे आजम की बारगाह में चले जाओ जिसे दुनिया पीराने पीर कहती गए जब उसकी बारगाह में तुम जाओगे मोहब्बत अगर सच्ची होगी अकीदत सच्ची होगी अगर तुम्हारा इश्क सच्चा होगा अगरचे तुम गैर मुस्लिम हो अगरचे तुम दूसरे धर्म के मानने वाले हो लेकिन वलियों की चौखट पे अगर कोई अकीदत लेकर जाता गए तो वहां ये नहीं देखा जाता गए आने वाला कौन गए बल्कि अकीदत देखी जाती गए मोहब्बत देखी जाती गए प्यार देखा जाता गए दिल का इश्क देखा जाता गए। अब वो झूमता गया गए जैसे ही सरकार हौसे आजम के रोजे पर नजर पड़ी गए तो झूम कर उसने कहा गए कि कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा असन तुम्हारी कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा असन तुम्हारी सुंदर सररी मनोगर मंगल आसीरम पर ना सिमगमद और पीर हमारे शागे जीला कर गो करम अपना शागे जीला कर गो करम अपना शागे जीला और संत के तू अभिनायर ज्ञानी संत के तू अभिनायर ज्ञानी जग के मनोगर शुभ हर ज्ञानी। अब जैसे ही दिल झूमा गए अब जरा तवज्जो करना प्यारे मोइनुद्दीन कादरी ने अपना काम करने की कोशिश किया है गौर से सुनिएगा। मोइनुद्दीन कादरी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है एक हिंदू अगर चला जाए हौसे आजम की बारगाह में जब उनकी मुरादें पूरी हो जाए तो एक कलमा पढ़ने वाला हौसे आजम का दीवाना आला हजरत को मानने वाला या खा जाए पाक का मस्ताना अपने नबी से इश्क करने अगर सबूतर की सरजमीन पे बैठकर अगर हौसे आजम को याद करेगा हमारा यकीन बोलता गए हौसे आजम की तालीमात पे आप अमल कर लो अल्लाह की कसम लोगों आप हौसे आजम की तालीमात पे अमल करोगे मेरा यकीन कहता गए दुनिया में रहोगे इज्जतदार बन जाओगे मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान यकीनन सुनिएगा गौसे आजम के नाम का नारा लगाने वालों अगर हम झूठ बोलते रहे तो यकीनन गौस हमसे राजी नहीं होंगे। सुनिएगा गौसे आजम के फरमान को सुनिएगा जरूरत है करामत बयान करने से ज्यादा गौसे आजम की तालीमात को बयान करना जरूरी है। गौर से सुनना प्यारे मोइनुद्दीन कादरी को जुमले देकर जाना चाहेगा गौसे आजम ने फरमाया है गौसे आजम कौन गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया है। जरा और प्यार से बोले सुभान अल्लाह
और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सुनिएगा वो गौसे आजम जिन्होंने 12 साल तक रोजाना इशा की नमाज के बाद एक पांव पे खड़े होकर रोजाना 12 साल तक कुरान मजीद मुकम्मल खत्म किया है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम फरमाते गए लोगों आज हज करने भी हम जाते गए, इतने बड़े बड़े सेठ हैं जो 3-4 बार जा चुके गए, ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अकेले मस्जिद बनवा दिया गए, जिन्होंने अकेले मदरसा बनवा दिया गए। लेकिन याद रखना प्यारे, क्या लाखों रुपए के जलसा करने से गौसे आजम राजी हो जाएंगे, क्या मस्जिद अकेले बनवाने से क्या मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, क्या मदरसा अकेले बनवाने से क्या खुदा राजी हो जाएगा। जरा गौर से सुनना प्यारे, गौसे आजम ने फरमाया है लुकमतुन फी बतने जाइन खैर मिन बनाए अल्फे जामईन। गौसे आजम की तालीम समाप्त करें, गौसे आजम ने फरमाया कि किसी भूखे शख्स के पेट में एक लुकमा डाल देना 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, एक लुकमा डाल देना। कभी प्यारे हमने सोचा है क्या, हम तो हज करने चले जाते गए, हम तो अजमेर चले जाते गए, हम तो बगदाद चले जाते गए, हमने कभी अपने पड़ोसी को देखा है हमारा पड़ोसी भूखा है या प्यासा है? उनके बच्चे भूख की वजह से, कहीं प्यास की शिद्दत की वजह से, कहीं भूख की वजह से, कहीं उनके बच्चे रातों को रो रो नहीं रहे गए। याद रखना प्यारे, आप चाहते हो कि गौसे आजम हमसे राजी हो जाए, इन उलमा की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देना चाहेगा कि सबूतर और गिरदोनवाह से आने वालों, आज के गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम लेकर जाना। अगर आप चाहते हो गौसे आजम राजी हो जाए, कौन ऐसा शख्स है जो न चाहता हो कि गौसे आजम राजी ना हो जाए? नहीं नहीं प्यारे, हर शख्स चाहता है कि गौसे आजम हमसे राजी हो जाए, तभी तो गौसे आजम की महफिल में आए गए। याद रखना, पैगाम लेकर जाना। गौसे आजम राजी ऐसे नहीं होंगे, क्या सिर्फ जलसा करवाने से गौसे आजम राजी होंगे, क्या मस्जिद बनवाने से गौसे आजम राजी होंगे? अल्लाह की कसम कहता हूँ, आप 20-25 लाख चंदा करो जलसा करवाने के लिए गौस के नाम का, आप 2-3 लाख का जलसा कर लो और उन्हीं में से 17 लाख रुपए बचा कर आप मोहल्ले में रहने वाले 17 गरीब शख्स की बेटियों के हाथ पीले करके शादी करवा दो। मेरा यकीन कहता है वो 17 गरीब की बच्चियां जहां ससुराल में मुस्कुराएगी, वहां बगदाद में गौसे आजम मुस्कुराएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि गौसे आजम हमसे राजी हो, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इन उलमा को आपने कहां कहां नहीं परेशान किया है, आपने कहां कहां जलील न किया है, आपने कभी सोचा है आपकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है, आपके यहां जो पढ़ाने वाले उलमा है उनकी तनख्वाह कितनी है? हाँ हाँ लोगों, हमने तो ऐसे आलिमों को भी देखा है जिनके घरों में 5 मेहमान पहुंच जाए उनके यहाँ चाय की पत्ती और चीनी तक नहीं गए, जो यानी चाय बनाकर मेहमान की मेहमान नवाजी कर दे। कभी आपने सोचा है इन आलिमों की मदद आप क्यों नहीं करते हो? कभी नजराना लेकर नहीं पहुंच सकते हो? मैं कहना चाहूंगा, हाँ हाँ, हमने आलिमों को जलील कहा कहा नहीं किया। जब बाप का जनाजा निकले हमें ये कुरान पढ़ने वाले याद आते गए, जब माँ का चहारम हो ये कुरान पढ़ने वाले आलिम दीन याद आते गए। मैं कहना चाहूंगा, आपने गौसे आजम के फरमान को सुना, गौसे आजम फरमा गए किसी भूखे शख्स के, किसी जरूरतमंद शख्स को एक जोड़ा कपड़ा पहना देना, एक लुकमा खिला देना 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। मैं पूछना चाहूंगा गौसे आजम के कॉन्फ्रेंस से आप हजरात को एक बात में पूछना चाहूंगा, ये उलमा को हमने कहां कहां नहीं जलील किया? ये उलमा गए चहारम हो तब ये उलमा याद आते गए, 40वां हो तब ये उलमा याद आते गए। मैं पूछना चाहूंगा लोगों, जब कभी वली
की दावत होती है, कुर्सियां लग जाती है, टेबल लग जाते गए, उस पे सफेद कपड़े डाल दिए जाते गए। क्या ये उलमा उस वक्त भी याद आते गए? क्या ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उस वक्त भी याद आते गए? मैं कहना चाहूंगा, उस वक्त कौन बैठेगा? उस वक्त हम VIP को ढूंढते गए। कौन VIP? हम 3000 का यानी के कोट पहनने वाले को हम VIP कहते गए। 2000 का जूता जो पहन के आए उसको हम VIP मानते गए। नहीं प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा, VIP 3000 का कोट पहनने वाला नहीं होता है, VIP 2000 का जूता पहनने वाला नहीं होता है। VIP कौन होता है? VIP तो वो कुरान के कारी होते गए, VIP वो हाफिज कुरान होते गए, VIP वो आलिम दीन होते गए, VIP ये मुफ्तियान किराम की जमात होती है। जब मैदान महशर लगेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों जाओ मैदान महशर में जितने हुफाज हैं, जितने कुर्रा हैं, जितने उलमा हैं, जितने मुफ्तियान किराम हैं, सबको बुला कर लाया जाए। फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह आखिर पहचान क्या होगी? कैसे मैं पहचानूंगा कि ये आलिम दीन है, ये हाफिज कुरान है, ये मुफ्ती है, ये आलिम है, ये कारी है? कैसे पहचानूंगा? रब फरमाएगा कि सुनो फरिश्तों, सबों के मुंह को सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी, समझ जाना वही मैदान महशर में हाफिज कुरान और आलिम दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये असल में VIP होते गए। मैं कहना चाहूंगा, लॉकडाउन का जमाना गुजरा, कितने उलमा की फैमिली के साथ क्या बीती है? आपने कभी सोचा है क्या? आप चाहते हो कि गौसे आजम हमसे राजी हो जाएं? आप मुझ कुछ मत करो, मेरा टाइम 20 मिनट तकरीबन होने ही वाला है। मोइनुद्दीन कादरी को 20 मिनट का टाइम मिला गए, इसी में मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बातों को पूरी कर दूं। याद रखना प्यारे, आप अगर चाहते हो हमसे राजी हो जाएं, मैं कहता हूँ कि पहले के जमाने में भी जलसे होते थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गौसे आजम कॉन्फ्रेंस की सारी कमेटी को, जिन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। लेकिन आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, आप अगर जलसा करवाते हो खूब जलसा करवाओ। आप अगर चाहते हो गौसे आजम राजी हो जाए, हर शख्स यही चाहता है गौस राजी हो जाए। मोइनुद्दीन कादरी का एक पैगाम और समाप्त कीजिए। आप अभी ठंड का समाना आ रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, आप चाहते हो पूर्णिया, आप चाहते हो अररिया, आप चाहते हो कटिहार, किस वजह से? यानी कि अपने बच्चों के लिए ठंड के लिए कपड़े खरीदने को। आप अपनी बच्ची के लिए जैकेट खरीदते हो, आप अपनी बच्ची के लिए स्वेटर खरीदते हो। एक पैगाम लेकर जाओ जश्न गौसे आजम से कि गौस को अगर राजी करना चाहते हो, कल अगर आप मार्केट जाना, एक जोड़ा कपड़ा ठंड का अपनी बेटी गुड़िया के लिए खरीदना, एक जोड़ा कपड़ा अपने बेटा लाल के लिए खरीदना, और एक जोड़ा का पैसा बचाकर मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब के लिए एक जोड़ा ठंडी का कपड़ा खरीद लेना और छुपके से आकर दे देना। कहना, आपकी बच्ची के लिए मैं पूर्णिया गया था, आपकी बच्ची के लिए एक जोड़ा मैंने कपड़ा लिया है, और फोटो खींच कर सोशल मीडिया पे डालकर किसी को रुसवा मत करना। कभी किसी गरीब का दिल मत तोड़ना और उसको कह देना, अल्लाह की कसम कहता हूँ वो गरीब की बच्ची सुबह सवेरे नया जैकेट पहनकर बाहर निकलकर रास्ते में मुस्कुराएगी, यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, अजमते वीराने वीर, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। आप अगर चाहते हैं कि गौसे आजम हमसे राजी हो, आपने अपने बच्चे को आलिम ना बनाया, आपने अपने बच्चे को हाफिज ना बनाया, कभी आप मदरसा गौसी दारुल उलूम गौसिया रज़विया सबूतर में के रहने वाले जो नाज़िम आला यहाँ के हैं, या आपके इलाके के अरबी कॉलेज है वहाँ के मोहतमिम अल्लामा शम्सुल हक रशीदी साहब क़िबला, या मदरसा कलीमिया जिनके नाज़िम आला हैं हजरत प्रिंसिपल है का अल्लामा डॉक्टर
अरे यार रजा साहब किबला इनके पास कभी चले जाना और कहना मुफ्ती साहब मौलाना साहब नाजिम साहब बच्चों को हाफिज बनाने में कितने साल लगते गए, ये कहेंगे 3 से 4 साल। आप पूछना अल्लाह ने दौलत तो बड़ी दिया है, मैंने अपने बच्चे को हाफिज ना बना पाया, क्या कोई और कोई हमारे लिए अगर कोई काम हो तो बताए। आप इनसे पूछना कि एक बच्चे को हाफिज बनाने में कितने साल और कितने पैसे लगेंगे, ये कहेंगे ये फरमाएंगे कि 5 लाख रुपए 4 साल में या 5 साल में लगेंगे एक बच्चे को हाफिज बनने में। आप कहना ये 5 लाख रुपए ले लीजिए, इस पैसे से एक बच्चे को मेरी तरफ से हाफिज कुरान बना दीजिए। अल्लाह की कसम कहता हूँ वो कुरान पढ़कर हाफिज बनने वाला बच्चा यहाँ मस्जिद में मसल्ले में खड़े होकर तरावी में कुरान लोगों को सुनाएगा, वहां बगदाद वाले गौसे आजम आपसे राजी हो जाएगा।